दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक फर्राटा फैन की मोटर को रिपेयर करना बताऊंगा। देखिए यहाँ पर ना तो वाइंडिंग करना बताऊंगा ना फिर इसकी मोटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। बस इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। ये मोटर और कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, बट जो दिक्कत आ रही है इसमें जो आप रोटर देख रहे हैं चलते चलते अचानक से बीच में रुक जा रहा है और अचानक से कुछ हमिंग की आवाज़ आ रही है और कुछ देर में जाम हो जा रहा है। फिलहाल आप देखेंगे ये इधर को भी मूव हो रहा है उधर को भी मूव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें चलाऊं तो कुछ देर कभी कभी तो ये अचानक से चल दे रहा है और कुछ देर बाद बंद हो जा रहा है और कभी कभी यहाँ पर अचानक से ये जाम हो जा रहा है बहुत टाइट, यानी कि इसका रोटर एक डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहा है। ऐसा क्यों होता है आपको मैं पहले चला के ही दिखा देता हूँ। चलिए इसका ये कॉमन वायर है और ये आपका लेफ्ट राइट के लिए यूज़ करा गया है, इसमें किसी में भी आप जोड़ लीजिए। चलिए इसको मैं कवर कर लेता हूँ और दूसरी वायर में कनेक्शन दे देता हूँ, यानी कि एक कॉमन और एक येलो वायर को जोड़ लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। चलिए मैं इसको कनेक्शन दे दिया है, अब मैं इसको चालू कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर चालू कर लिया है, किस तरीके से चल रहा है आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए और देखिए उसका साउंड सुनिए। ये चल रहा है, बीच में रुक जा रहा है, इसको घुमाता हूँ देखिए। ये देखिए इसको इधर घुमाता हूँ तो ये देखिए अब इस मैं नीचे से मैंने घुमाना पड़ेगा देखिए इस तरीके से, तब ये रोटर चलेगा। चल तो रहा है, बीच बीच में आप साउंड सुनिएगा इसका और देखिए बीच बीच में रुक भी जा रहा है देखिए। इस तरीके का अगर आपके साथ प्रॉब्लम आता है तो आपने करना क्या, और देखिए यहाँ पर ये वो स्पीड जो आती है वो नहीं आ रही है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना है इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। ना तो इसका रोटर टाइट है, ना तो इसकी मोटर ख़राब है, ना इसका कैपेसिटर वीक है, सब कुछ ठीक है, बस इसमें थोड़ी सी सेटिंग गड़बड़ गई है, उसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। आप इसे घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस मोटर के चारों स्क्रू को खोल के बिल्कुल फ्री कर लेना है। चलिए मैं 1 2 3 4 जितने भी स्क्रू यहाँ पर हैं सभी को खोल लेता हूँ और उसके बाद कनेक्शन भी हटा लूँगा, यानी कि कैपेसिटर को भी हटा लूँगा। वैसे हटाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता है तो कनेक्शन हटा दीजिए और इस वाली प्लेट को आप उठाइए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कैपेसिटर को और इसके स्क्रू को हटा लिया है, अब इसको इसके कैप को खोलना है, यानी कि आसानी से खुल जाता है। अगर टाइट होता है तो आप हल्का सा हथौड़े से या फिर किसी भी चीज़ से ऐसे मारेंगे तो ये पीछे को खिसक जाएगा और इसको आप इजीली खोल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर करना क्या है वही आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे हाथ गंदे हो सकते, आपके भी हो सकते हैं ना। कुछ चीज़ें आपने क्लीन करनी है, जैसे इसका रोटर है यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी कार्बन टाइप की गंदगी लगी हुई, इसको आपने साफ़ करना है। देखिए दो टाइप की मोटर आती है, एक बुश वाली आती है और एक बैरिंग वाली आती है। ये जो है बुश वाली है, देख सकते हैं आप यहाँ पर बुश लगी हुई है दो, एक यहाँ पर लगी हुई एक इस तरफ से लगी हुई है इस छोर पे, ठीक है। बुश वाली मोटर में अक्सर ये प्रॉब्लम आती रहती है। अगर बैरिंग वाली है तो उसमें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अगर आप कभी भी मशीन परचेज करते हैं या फिर कोई भी मोटर इस टाइप की, ये मोटर दो तीन जगह पर लगती है, एक तो फर्राटा पर लगती है और आपकी एक जो आपने मदानी देखी होगी उस पर यूज होती है, सेम मोटर होती है और सेम इसका ये पूरा बॉडी एक साथ बिल्कुल वैसी ही आपको मिलेगी। तो आप हमेशा बेयरिंग वाली ही खरीदेगा, बुश वाली मत खरीदेगा, उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर जो एक कार्बन लगा हुआ है पूरा से आपने क्लीन करना है इस तरीके से, आप किसी भी क्लोथ वगैरह की मदद से इसको क्लीन कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा आपने ग्रीस लगाना है, वो आपको मैं बताते रहूँगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों तरफ आप क्लीन कीजिए, ये क्लीन हो चुका है। और वहाँ पर हो सके तो बुश को भी थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह या फिर क्लीनर तो नहीं पेट्रोल की मदद से धो दीजिए, उसके बाद आपको इसमें ग्रीस वगैरह डाल देना है। तो यहाँ पर मैं इसको पेचकस के साथ कपड़ा लपेट के इसको वैसे ही साफ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। तो देखिए बुश के अंदर जो गंदगी होगी वो कपड़े में लपेट के आ जाएगी और इस तरफ के अभी जो बुश है वो उसको भी आप इस तरीके से साफ कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, ये देखिए अब कितना यहाँ पर कार्बन आपका दिख रहा है, बिल्कुल कचरा और गंदगी यही आपने निकालनी है। इसी की वजह से बार बार आपका जो रूटर है वो स्पीड नहीं पकड़ पाता, वो आपका दिक्कत करने लग जाता है। यही देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, चाहे तो आप इसको पेट्रोल से भी क्लीन कर सकते हैं। और बुश की जो कंडीशन है देखिए, बुश अगर हल्का सा इधर उधर हो जाए, यानी कि इधर उधर ये बुश हो जाती है ना, ये देखिए बिल्कुल मूव भी होती है, आपको मैं दिखाऊँ इधर उधर मूव हो रही है देखिए।
अगर बुश हल्का सा इधर उधर हो जाए, समझ लीजिए आपका ये मोटर भी प्रॉपरली स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। तो इसलिए बुश को बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में आपने बुश को रखना है, बुश की जो पोजीशन है बिल्कुल सेंटर में रखनी है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल सेंटर में है या फिर नहीं है, इस तरीके से इसको सीधा टेढ़ा कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से वो आप बिल्कुल अपने हिसाब से उसको सेंटर दे दीजिए। तो इतना आपने इसमें काम करना है, और जो नीचे की बुश है यानी कि इस तरफ जो लगी उसको भी आपने सेंटर दे देना है। और इसमें बुश का सेंटर देखने के लिए भी बिल्कुल आपने इस तरीके से इसको रखना है और बिल्कुल देखना है, न यहाँ पर ज़्यादा लगे न उस तरफ ज़्यादा लगे, बिल्कुल ही सेंटर में आना चाहिए। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बुश ख़राब होने की वजह से भी ऐसा होता है। देखिए ये बुश है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा भी हो जाए तो इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। देखिए इस तरीके से, ये देखिए कितना यहाँ पर बबलिंग कर रहा है। बुश के ख़राब होने से भी ऐसा होता है, या तो आप बुश को चेंज कर दीजिए, नहीं होता तो इसकी सेटिंग देख लीजिए और एक बार क्लीन करके देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको क्लीन करूँगा, उसी से यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मोटर का जो फील्ड है वो थोड़ा सा नीचे जा चुका है तो उसको हल्का सा ऊपर उठाइए आप, ठीक है, हल्का सा ऊपर उठा दीजिए और उसके बाद इसको फिट कर लीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेता हूँ, यानी कि हल्का हल्का सा यहाँ से मार के बिल्कुल बराबरी में थोड़ा सा इतना मैंने इसको ऊपर उठा लेना है। देखिए जो नीचे फिट है ना, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा इसको ऊपर उठा लेना है। दोस्तों हल्का सा मैंने इस मोटर को हल्का सा ऊपर उठा लिया है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो तीन स्क्रू लगे हुए बुश को टाइट करने के लिए, 1, 2, 3, इनको भी आप अगर ये ढीले हो रहे तो इनको अच्छी तरीके से कस लीजिए। चलिए इन तीनों स्क्रू को मैं अच्छी तरीके से कस लेता हूँ ताकि यहाँ पर बुश जो आपकी ढीली हो रही वो अच्छी से टाइट हो जाए। दोस्तों ये काम भी हो चुका है। अब यहाँ पर रोटर में अगर यहाँ पर आपको कोई भी गंदगी या फिर कोई भी कार्बन या फिर जंग वगैरह दिख रहा है तो उसको आप थोड़ा सा रेगमाल की मदद से क्लीन कर लीजिए। आपके पास रेगमाल या फिर इस तरीके से कोई स्क्रैच करने वाला कोई भी चीज़ें हों तो उससे आप हल्का हल्का सा उसको क्लीन करके बिल्कुल साफ कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है रोटर में गंदगी आने की वजह से भी वो बीच बीच में फंसने लग जाता है, तो इस तरीके से आपने इसको क्लीन करना है। और एक बार आप रेगमाल फील्ड के अंदर भी मार लीजिए, यानी कि जो फील्ड का जो अंदरी हिस्सा है यहाँ पर अगर कुछ आपको लग रहा है कार्बन वार्बन तो उसको भी क्लीन आपने कर लेना है। याद रहे इसको क्लीन करते समय मोटर के किसी भी वाइंडिंग के किसी भी आपको वायर पे स्क्रैच नहीं कर देना, वरना ये ख़राब हो सकता है, टूट सकता है और फुल्ली डैमेज हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब ये सब क्लीन करने के बाद अब हमने एक काम और करना है। देखिए ग्रीस, थोड़ा सा ग्रीस लेना है और बुश में हमने डाल देना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बुश में आप डाल दीजिए इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आपने बुश में डाल देना है और यहाँ पर भी चाहें तो लगा सकते हैं थोड़ा सा अपने रूटर पे, और इस तरफ जो बुश इस्तेमाल हुई है उसमें भी आपने हल्का सा ग्रीस लगा लेना है। तो इससे ये होगा कि आपका मोटर अच्छी तरीके से स्पीड पकड़ने लगेगा, क्योंकि जो ग्रीस होता है उसको थोड़ा सा हेल्प करेगा। बाकी आप इसके स्क्रू को भी कस लीजिए, 1, 2, 3 जितने भी स्क्रू मिल रहे हैं, अगर ये ढीले हो रहे हैं तो इनको आप कस के टाइट कर सकते हैं, इस तरीके से ये आसानी से टाइट हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसको 2-3 बार आप इस तरीके से घुमा लीजिए और ग्रीस अच्छी तरीके से वो बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर बैठ जाएगा। देखिए परफेक्टली घूम रहा है। अब यहाँ पर इसे हम फिट कर लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं और यहाँ से ग्रीस निकल गया, दोबारा से ग्रीस में लगा के इसको फिक्स कर लेते हैं। अगर बार बार ये फिर भी करने के बाद दिक्कत कर रहा हो, यानी कि ये सब करने के बाद फिर भी ऐसे आपका प्रॉब्लम फेस हो रहा हो, तो फिर आपने कुछ नहीं करना, फिर आपने बुश को चेंज कर लेना है। दोनों बुश को जो दोनों कॉर्नर पे लगे हुए, एक टॉप में एक साइड पे, यानी कि दोनों साइड को जो बुश लगे हुए उसमें आपने डाल देना है। तो यहाँ पर इसको फिलहाल फिट कर लिया, हल्का सा बबलिंग तो कर रहा है लेकिन फिर भी हमने चेक करके देख लेना है। मैं इसको लगभग 1 या 1.5 घंटा चलाऊंगा, अगर प्रॉब्लम फिर से लगी तो फिर मैं इसको डिलीवर करने से पहले बुश चेंज जरूर करूँगा। बाकी वैसे अभी प्रॉब्लम इसका सही हो जाना चाहिए, जो भी इसका कार्बन लगा था उस हमने इसका क्लीन कर लिया है। अभी यहाँ पर एक्यूरेट पॉइंट में हमने पहले स्क्रू कस लेना है, उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर के कनेक्शन करके इसको चेक करना है। तो दोस्तों फाइनली मैंने इसे पैक कर लिया है, इसके सारे कनेक्शन कर लिए हैं, यहाँ पर इसको भी जोड़ लिया है। चलिए अब इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है, देखिए अब वो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आपको मैं मोटर को इधर उधर घुमा के भी दिखा देता हूँ, एक मिनट। इस वायर को टच नहीं करना, इसमें करंट लग सकता है, इसलिए इसको अलग करके रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में घुमाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और इसकी स्पीड भी आप देख सकते हैं, जो इसमें स्पीड होनी चाहिए वही इसमें अभी भी है। ये वायर में करंट है इसलिए उसको थोड़ा सा मैं हटा के चल रहा हूँ, वरना
इसमें करंट लग सकता है। ठीक है, देखिए आपको फिर से मैं दिखाता हूँ क्लियर तरीके से, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे पकड़ के आपको दिखाता हूँ, देखिए अब अपने आप रोटेशन शुरू हो जाएगा। देखिए ये देखिए, अब आपको टर्न करके भी दिखाता हूँ, यानी कि इसमें आपको ये वायर जो अलग से देके रखी हुई ना, ये क्या होती है, इसको उल्टा सुल्टा घुमाने के लिए यूज़ करी जाती है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, अभी ये इस तरफ को घूम रहा है, अभी उस तरफ को घूमने लगेगा। देखिए ये देखिए, देखिए अभी उस तरफ को घूम रहा, अब इस तरफ को घूमने लगेगा। ये देखिए, अब वो जो साउंड आ रहा था कर 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 से, वो अब नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब हो चुका है। अगर ज़्यादा इसमें ऐसा सब करने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इसके दोनों बुश को चेंज कर लेना है। बस ये बुश की वजह से ही होता है। फिलहाल बुश में कार्बन वगैरह आ गया था, वो तो मैंने क्लीन कर लिया है और इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो चुका है। मैं इसको कुछ देर में एक या डेढ़ घंटा करीब चलाऊँगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है तो ठीक है, मतलब अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। अगर सोल्यूशन मुझे परमानेंट मिल जाता है, बाद में शिकायत ना आए, इसलिए मैं इसको टेस्ट करता हूँ हमेशा। और फिर भी मुझे कोई इसमें शिकायत बीच में ऐसा अचानक से लगता है, तो फिर मैं इसका बुश दोनों चेंज कर दूंगा। बाकी मैंने आपको बता दिया डिटेल से। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।